हे एवरीवन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे क्या होगा, जब भी मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएंगे। बाइंग द स्टॉक्स बाय द टर्मिनल, याद कीजिए लास्ट वीडियो हमने एक गोल सेट किया था। हमारा पहला गोल था IDFC बैंक का 10 शेयर्स बाई करना। अभी हम लोग के पास ट्रेडिंग टर्मिनल में IDFC बैंक है। अब पहला स्टेप होगा कि बी और बाई आइकन पे क्लिक करेंगे। जब आप बाय आइकन पे क्लिक करेंगे, एक बाय ऑर्डर फॉर्म ओपन होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। ऑर्डर फॉर्म पहले से थोड़ा बहुत भरा हुआ होगा, जैसे कि प्राइस और क्वांटिटी। डिफॉल्ट सेट होता है 1 पे, हमें इसे मॉडिफाई करना पड़ता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल है, लिमिट, मार्केट, SL मार्केट। ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप किस तरीका से मार्केट में ट्रांजेक्ट करना चाहते हैं, और ये ऑप्शन कॉमन होते हैं बाय और सेल के लिए। चलिए अब हम समझेंगे इन ऑप्शन को और इनका एडवांटेज क्या है। लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर, जब आप कोई पार्टिकुलर प्राइस ही आप पे करना चाहते हैं स्टॉक के लिए, तो आप लिमिट ऑर्डर चूज करते हैं। जैसे कि इस केस में LTP यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस IDFC बैंक का है 39.55। लेकिन एज्यूम कीजिए हम लोग अपने बाय प्राइस को लिमिट कर रहे हैं टू बाय ऑन 39.25 ओनली। ऐसे सिचुएशन में जहां हम लोग प्राइस पे पार्टिकुलर होते हैं कि हमें इतना ही प्राइस में स्टॉक को बाई और सेल करना है, तो हम लोग लिमिट ऑर्डर चूज करते हैं। इस ऑप्शन में शेयर्स तभी खरीदा जाएगा जब प्राइस ड्रॉप होगा 39.55 टू 39.25। अगर प्राइस ड्रॉप नहीं होता है तो ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। यह एक ड्रॉबैक है लिमिट ऑर्डर का। आप मार्केट ऑर्डर भी चूज कर सकते हैं, जब आप स्टॉक को कोई भी मार्केट में अवेलेबल प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हो तब। अब जैसे कि IDFC बैंक को खरीदना है तो ये खरीदा जाएगा 39.55 पे, और ये ऐसा भी हो सकता है अगर प्राइस ऊपर गया, मान लीजिए 40.1 और आपने मार्केट ऑर्डर चूज कर रखा है, तो आपको स्टॉक मिलेगा IDFC का 40.1 में। इसका मतलब यह हुआ, जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप कभी भी श्योर नहीं होते कि आप कितने प्राइस पे ट्रांजेक्ट करेंगे, और अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो तो ये एक थोड़ा बहुत डेंजरस सिचुएशन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे स्टॉप लॉस ऑर्डर। पोजीशन लेने के बाद अगर शेयर प्राइस नीचे गिरता है तो उससे स्टॉप लॉस ऑर्डर आपको बचाता है। एक एग्जांपल देखिए, आपने ITC लिमिटेड बाई किया 262.25 रुपया में, यह एक्सपेक्ट करते हुए कि आने वाले कुछ दिनों में ITC का प्राइस 275 पे जाएगा। लेकिन बजाय ऊपर जाने के क्या होगा अगर प्राइस नीचे जाना लगा, राइट? पहले ही हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बड़े नुकसान से। अब ऊपर के एग्जाम्पल में मान लीजिए आप लॉस और रिस्क लेने के लिए रेडी है 255 रुपये तक। इसका मतलब यह हुआ, स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करके हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल को इंस्ट्रक्शन देंगे कि जब प्राइस ITC का 255 से नीचे जाएगा तो शेयर से एग्जिट होने के लिए। मतलब यह हुआ, आप ITC को 262.25 पे खरीद कर लॉन्ग जा रहे हैं, और मैक्सिमम लॉस जो आप लेने के लिए रेडी है इस ट्रेड में वो है 7.25 रुपीज। 262.25 माइनस 2.5 है, राइट? जब तक शेयर प्राइस 255 के ऊपर रहेगा स्टॉप लॉस ऑर्डर शांत रहता है और बोले तो एक्टिव नहीं होता। ओके, हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे स्टॉप लॉस ट्रिगर। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक पैसिव ऑर्डर होता है। इसका मतलब यह पीछे में शांत रहता है जब तक स्टॉप लॉस प्राइस नहीं आता। अगर हमें ये शांत स्टॉप लॉस ऑर्डर को एक्टिवेट करना है तो एक ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस को वैसे स्टॉप लॉस प्राइस के पास रखते हैं, क्योंकि जब स्टॉक प्राइस हीट करेगा ट्रिगर प्राइस को तो स्टॉप लॉस ऑर्डर अलर्ट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। इसलिए ट्रिगर प्राइस थ्रेशोल्ड जैसा एक्ट करता है, और केवल प्राइस क्रॉस होने के बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर पैसिव ऑर्डर से एक्टिव ऑर्डर बन जाता है। हम ITC का एग्जाम्पल फिर से देखते हैं जो अभी ऊपर देखा। हम लोग 261.25 रुपये पे ITC को खरीद रखा है। अगर ट्रेड गंदा हुआ तो हम चाहते हैं कि पोजीशन एग्जिट कर देंगे रुपीज 255 पे, इसलिए हम लोग 255 स्टॉप लॉस प्राइस रखेंगे। अब ट्रिगर प्राइस को हमें स्पेसिफाइड करना पड़ेगा सो दैट द स्टॉप लॉस ऑर्डर पैसिव से एक्टिव ऑर्डर में चला जाए। ट्रिगर प्राइस को हमें हायर और एटलीस्ट स्टॉप लॉस का इक्वल होना चाहिए। इस केस में एक अच्छा एग्जांपल ट्रिगर प्राइस का होगा 256 रुपीज। जब स्टॉक ड्रॉप होगा 256 पे तो ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगा और स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, राइट? अगर प्राइस कंटिन्यू गिरता रहा 256 टू 255,
उसके बाद स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और स्टॉक बिक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीएनसी कैश एंड कैरी। अब थोड़ा पीछे जाइए मेन बाय ऑर्डर फॉर्म में। एक बार जब हमने ऑर्डर टाइप सेलेक्ट कर लिया, अब हम लोग डायरेक्टली क्वांटिटी पे जाएंगे। याद है हमारा टास्क था 10 शेयर्स बाय करना आईडीएफसी बैंक का, इसलिए हम लोग क्वांटिटी बॉक्स में 10 डालेंगे। अभी हम लोग ट्रिगर प्राइस को इग्नोर करेंगे और अभी के लिए क्वांटिटी दिखाते हैं। अब अगला चीज जो सेलेक्ट करेंगे वो होगा प्रोडक्ट टाइप। हमें अगर डिलीवरी डेट लेना है तो सीएनसी सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब अगर आप शेयर्स को बाय करके होल्ड करना चाहते हैं ज्यादा दिन के लिए, ज्यादा महीना के लिए या ज्यादा साल के लिए, तो आपको इंश्योर होना पड़ेगा कि शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट पर रहे। सीएनसी सिलेक्शन का मतलब हुआ कि आप अपने ब्रोकर से कम्युनिकेट कर रहे हैं शेयर्स को लंबे समय तक रखने के लिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो मिस सेलेक्ट कीजिए। मिस एक मार्जिनल प्रोडक्ट है, हमने इसे ज्यादा समझेंगे बाद में। एक बार जब ये सारी डिटेल्स भर जाती है आपके ऑर्डर फॉर्म में, तो ऑर्डर तैयार होता है मार्केट में जाने के लिए। अब जैसे ही आपने ऑर्डर फॉर्म में सबमिट बटन दबाओगे, ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा और एक यूनिक ऑर्डर टिकट नंबर जनरेट हो जाता है आपके ऑर्डर के लिए। एक बार जब ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाता है तो एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक प्राइस हिट नहीं करता लिमिट प्राइस को। इस केस में लिमिट प्राइस 39.35 है। जितना जल्दी लिमिट प्राइस हिट होगा उतना ही जल्दी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और जितना जल्दी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा आप 10 जैस आईडीएफसी बैंक का ऑन करोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाय ऑर्डर। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि बाय ऑर्डर फॉर्म ट्रेडिंग टर्मिनल पे कैसे भरते हैं और कैसे ऑर्डर प्लेस करते हैं शेयर्स को खरीदने के लिए। अब आपका बाय ऑर्डर को थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जैसे ही आप बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा। एक लास्ट बार हम ऑर्डर फॉर्म को देखेंगे बाय हिट करने से पहले। ओके, प्लीज नोट कीजिए, जैसे ही हम लोग आईडीएफसी का 10 शेयर्स खरीद रहे हैं प्राइस 40.8 बढ़ गया है फ्रॉम 39.35। इसलिए अब यह ऑर्डर आईडीएफसी बैंक का 10 शेयर 40.8 लिमिट प्राइस पे बाय करेंगे। प्रोडक्ट टाइप सीएनसी सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारा इंटेंशन है कि ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में रहे। एक बार जब आप बाय कंफर्म करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिलता है एक ऑर्डर आईडी के साथ। अब इससे अनिवार्य रूप से आप अब 10 शेयर्स ऑन करते हैं आईडीएफसी बैंक का, और बाय वर्च्यू ऑफ दिस आप भी एक पार्ट का ऑनर बन गए आईडीएफसी बैंक का, ऑफ कोर्स टू द एक्सटेंड ऑफ शेयर दैट इट हेल्ड। चलिए देखते हैं अब ऑर्डर बुक। दो रजिस्टर होते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल के अंदर, एक को बोलते हैं ऑर्डर बुक, दूसरे को ट्रेड बुक। ऑर्डर बुक का काम होता है नजर रखना सभी ऑर्डर पे जो भी आपने एक्सचेंज को सेंड किया है, और ट्रेड बुक नजर रखता है सभी ऑर्डर पे जो भी आपने एक्चुअल में दिन भर में ट्रेड किया है। याद रखिए जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है ये जरूरी नहीं है कि वो ट्रेड में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जो हमने अभी ऊपर ऑर्डर किया है आईडीएफसी बैंक का 10 शेयर्स बाय करने के लिए एट 40.80 रुपीज, ये हो सकता है कि ट्रेड में कन्वर्ट ना हो, सिंपली बिकॉज कोई भी सेलर्स नहीं चाहता 10 शेयर्स 40.80 रुपीज में सेल करने के लिए। हो सकता है सेलर्स 40.85 रुपीज मांग रहे हो, राइट? इसलिए ऑर्डर बुक जानकारी रखता है कितना आपने ऑर्डर प्लेस किया है, और एक बार जब ऑर्डर कन्वर्ट हो जाता है ट्रेड में उसके बाद इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाता है ट्रेड बुक में। हम लोग डिटेल्स में देखेंगे ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक को। ऑर्डर बुक में हम हर एक डिटेल होता है आपके ऑर्डर के रिगार्डिंग। आप ऑर्डर बुक को नेविगेट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग टू द ऑर्डर टैब। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑर्डर बुक पे कुछ ऐसा खुलेगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ऑर्डर बुक में वो सारी इंफॉर्मेशन है जो भी आपको चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑर्डर मॉडिफिकेशन। ऑर्डर बुक में एक की फीचर्स होता है ऑर्डर का स्टेटस जानना। अगर स्टेटस कंप्लीट बताता है इसका मतलब आपका ऑर्डर एक्सचेंज को चला गया और अब आपका ऑर्डर ट्रेड में कन्वर्ट हो गया, और आपका ट्रेड बुक भी अपडेट हो जाता है। अगर स्टेटस ओपन है देन इसका मतलब हुआ आपके पास अभी भी टाइम है मॉडिफाई करने के लिए, और चाहे तो ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं। ऑर्डर को मॉडिफाई और कैंसिल करने के लिए सिंपली आपको मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है जो आइकन आपके नेम के साइड में दिख रहा है। ऑफ कोर्स ज्यादा ऑप्शन है इस लिस्ट में, लेकिन अभी के लिए
आपको जरूरी है जानना कि आप ऑर्डर को मॉडिफाई और कैंसिल कर सकते हैं ऑर्डर बुक में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रेड बुक। ट्रेड बुक रिकॉर्ड रखता है जितना भी आपका एग्जीक्यूटेड ट्रेड है। एग्जीक्यूटेड ट्रेड वो होता है जब आपका ऑर्डर स्टेटस चेंज होता है ओपन से कंप्लीट में। ओके, ट्रेड बुक में ये सारी जानकारियां होती है, जैसे कि ट्रेड आईडी, टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट टाइप और सबसे इंपॉर्टेंट किस प्राइस पे ट्रांजेक्शन हुआ, वो ट्रेड बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। वैसे अब हमारा पहला टास्क पूरा होता है जो कि था बाय 10 शेयर्स ऑफ आईडीएफसी बैंक। अब हम लोग फोकस करेंगे सेकेंड टास्क कंप्लीट करने के लिए, जो कि है इन्फोसिस का प्राइस ट्रैक करना। यह वैसे एक सिंपल टास्क है। पहला स्टेप्स होगा वह इन्फोसिस को मार्केट वॉच में ऐड करेंगे। हम लोग ये कर सकते हैं सर्च बॉक्स में इन्फोसिस सर्च करके। ये चीज हमने पहले भी किया है, ये रहा स्नैपशॉट उसका। जैसे हम लोग स्टॉक को लोड करेंगे मार्केट वॉच में, स्टॉक प्राइस दिख जाएगा। चलिए अब हम लोग इन्फोसिस को कुछ लाइव इन्फॉर्मेशन देखते हैं। लास्ट ट्रेड प्राइस 1355.15 है, स्टॉक डाउन है -1.33% प्रीवियस डे क्लोज से, राइट। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग मार्केट डेप्थ पे क्लिक करेंगे, इससे हम लोग कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर पाएंगे, जैसे कि ओपन प्राइस 1370, हाई प्राइस 1373, लो 1353.55, प्रीवियस क्लोज 1373.45, वॉल्यूम 24,47,000। बेसिक इन्फॉर्मेशन LTP, OHLC और वॉल्यूम के अलावा मार्केट डेप्थ इन्फॉर्मेशन देता है बीड एंड आस्क प्राइस का। जो कुछ है हमें उसे समझना चाहिए, इसके बारे में अगले वीडियो में हम देखेंगे। And hello, make sure to subscribe and hit the bell icon. See you in the next video.